नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम चार स्विच और चार सॉकेट की वायरिंग करने वाले हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें दोस्तों हमने पुराने स्विच बोर्ड को रिप्लेस किया था, तो दोस्तों उसी स्विच बोर्ड की हम यहाँ पर वायरिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सबसे पहले हमने सॉकेट के अंदर वायर डाला है और पहले हम चारों सॉकेट की जो है वायरिंग करने वाले हैं और इनका जो नेगेटिव वायर है वो हम इन चारों में से निकालने वाले हैं। तो दोस्तों, ये नेगेटिव वायर के लिए हमने वाइट कलर की जो है वायर यूज़ की है। तो दोस्तों, ये दूसरी सॉकेट का पेज जो है ढीला करके इसके अंदर से हम वायर निकाल रहे हैं और इसके बाद जो है ये लास्ट वाली सॉकेट के पास हम वायर लेकर जाएंगे और वहां पर टाइट करके ऊपर वाली सॉकेट के पास लाएंगे। तो अब हम ये पेच वापस जो है टाइट कर रहे हैं। और ये जो है तीसरी सॉकेट का पेच जो है लूज करके हम इसके अंदर से ये वायर निकालने वाले हैं। वैसे दोस्तों, स्विच बोर्ड की जो वायरिंग करना है वो बहुत ही आसान काम है, लेकिन दोस्तों जब हम कोई भी स्विच बोर्ड या किसी भी तरह की वायरिंग करते हैं, जब हमारी मेन लाइट जो है ऑन होती है तब बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये जो पेस हम वापस टाइट कर रहे हैं और अब जो है लास्ट वाली सॉकेट के पास जो है ये वायर हम ला रहे हैं और यहाँ पर हम ये वायर कनेक्ट करेंगे। ये हमने चार सॉकेट का जो नेगेटिव वायर है वो हमने निकाल लिया है इनके अंदर से वायर कनेक्ट करके। और अब हम चारों सॉकेट के जो स्विच है उनको हम कनेक्ट करने वाले हैं। जो एक वायर स्विच से और सीधा सॉकेट को आएगा उनके साथ हम इनको जोड़ने वाले हैं। जो दोस्तों, ये लास्ट वाला जो स्विच है ये हमने ऊपर की लाइट के लिए छोड़ा है। जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक स्विच जो है हम लाइट के लिए यूज करेंगे और एक स्विच से हम दो सॉकेट को कंट्रोल करेंगे। दोस्तों, इस एक स्विच की जो वायरिंग है वो लाइट के साथ होगी। तो दोस्तों, अब हम चारों सॉकेट की जो है वायरिंग इन तीनों स्विचेस के साथ करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक स्विच तो लाइट का है। तो ये जो हमारा पॉजिटिव वायर है वो हम इसके साथ स्विच के साथ कनेक्ट कर दिए हैं और नीचे की तरफ जो सॉकेट है उसके साथ हम कनेक्ट करने वाले हैं। और ये पेच जो है हम टाइट कर रहे हैं और अब हम नीचे की तरफ सॉकेट में ये वायर डालकर वहां पर पेच टाइट करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम ये सॉकेट का जो पेच है वो टाइट कर रहे हैं। इसके बाद जो है नंबर दो की सॉकेट का जो है स्विच हम कनेक्ट कर रहे हैं और ये पेच हमने ढीला किया और इसके अंदर से जो वायर है वो निकाल कर और ये पेच वापस हम टाइट कर रहे हैं। और ये नीचे की तरफ सॉकेट के साथ भी हमने ये जो है स्विच कनेक्ट कर दिया और अब हम ये जो लास्ट वाली दो सॉकेट है उनको हम इस एक बटन के साथ, यानी एक जो स्विच बचा है उसके साथ हम इसको कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये हमने स्विच के अंदर वायर डाल लिया है और अब हम इन दोनों सॉकेट के अंदर से ये वायर निकालेंगे और वहाँ पर पेच हमारा टाइट करेंगे।
और दोस्तों ये हमने पॉजिटिव के लिए भी वाइट वायर यूज की है, क्योंकि दोस्तों ये हमारी छोटी सी ही वायरिंग थी, और अब और ये जो स्विच बोर्ड है ये हमें दीवार पर यूज किया है। और ये वायर हमने छील ली है, और इसके बाद जो है लास्ट में हम ये वायर निकाल कर इनके अंदर जो है ये पेच टाइट करेंगे। और ये पेच वापिस से हम लूज कर रहे हैं। और दोस्तों ये हमने यहाँ से वायर निकाल लिया है, और ये पेच हम टाइट करने वाले हैं। दोस्तों ये जो स्विच बोर्ड है ये ऑक्सीजन कंपनी का है, और मॉड्यूलर स्विच बोर्ड है। और ये वायर जो है हमने यहाँ से निकाल ली है, और अब हम ये पेच जो है वो टाइट कर रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार से यदि आप भी किसी भी स्विच बोर्ड की वायरिंग करें तो कर सकते हैं। और ये जो पॉजिटिव हमारा वायर था वो हम अब इन चारों के जो चार स्विच थे उनके अंदर से निकालेंगे। ये दोस्तों ऊपर के सभी जो पेच है वो हम लूज करके उनके चारों के अंदर से ये पॉजिटिव वायर जो है वो डालेंगे और पेच वापस टाइट कर देंगे। और ये जो है हमने वायर पूरा ही छील लिया था, और ये पेच जो है हमने टाइट कर दिए हैं। वो लास्ट वाला स्विच, जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूँ कि वो लास्ट वाला जो स्विच है पहले नंबर का, वो हम लाइट के लिए यूज करेंगे। तो उस लाइट का एक वायर इस स्विच के अंदर लगेगा, और तो दूसरा जो वायर बचेगा वो नेगेटिव वायर के साथ कनेक्ट होगा। और ये दोस्तों पॉजिटिव वायर हमने कनेक्ट कर दिया, और ये नेगेटिव वायर यहाँ पर जो चारों सॉकेट का इस सॉकेट पर आकर रुका था, वहाँ से हम लाइट के लिए नेगेटिव वायर उठा रहे हैं। तो ये दोस्तों दोनों जो नेगेटिव और पॉजिटिव वायर था वो बाहर आ गया है, और इस प्रकार से हमने ये वायरिंग की है। तो दोस्तों सभी स्विच और सॉकेट की वायरिंग ऐसी होती है, चाहे वो दो स्विच सॉकेट हो चाहे चार हो। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस स्विच बोर्ड की वायरिंग की है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि दोस्तों आपको इसके बारे में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।